कहाँ जाना है? वाइजाक। 300 लूंगा। ओके आ जाओ। चलो आओ। क्या बात है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? सुबह 4 बजे कोलकाता की ट्रेन है, इसीलिए इस वक्त निकले हो। ठीक है ठीक है, लेकिन अब पैसे निकालो। भैया गाड़ी क्यों रोक दी? ओह लंदन तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? चलो। सुरी, 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 सुरी। सर, मेरे पति ट्रक ड्राइवर हैं सर। 2 दिन में आऊँगा कहकर ड्यूटी पर गए थे। 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं आए। उनका फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो ट्रक मिसिंग केस है, इस महीने की 5वीं कंप्लेंट है। ए, पहले रोना बंद करो। आप घबराइए मत, उनको कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। इनकी कंप्लेंट लिख लो। सर, कुछ महीनों से वाइजाक के आसपास में ट्रक लूटे जा रहे हैं। ट्रक के साथ साथ आदमी भी गायब हो रहे हैं। इस पर आपके डिपार्टमेंट को कोई क्लू नहीं मिला। हम जल्दी ही केस को सॉल्व कर लेंगे। आप यही बात कई बार कह चुके हैं सर। तो क्या आप सॉल्व करेंगे? हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जल्दी इसे सॉल्व कर देंगे। ओके, आप लोग जा सकते हैं। देखा आपने, हमेशा की तरह पुलिस आज भी कह रही है कि केस को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं पुलिस कब तक बहाने बनाती है। उधर यार, क्या हुआ? पहुंच गए क्या? अबे मंदिर आ गया। कैसे मंदिर? अभी तो जाकर आए थे ना। ए, वो कृष्ण भगवान थे, ये हनुमान जी हैं। तू जाना भाई, 10 किलोमीटर में 2 बार रोक लिया। दर्शन करके मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैं यहीं से हाथ जोड़ लूंगा। इधर ही सोता रहे आलसी कहीं के। तू जा। हनुमान जी, आपके युग में अगर मर्द शादी नहीं करता था तो उसे ब्रह्मचारी कहते थे, लेकिन इस युग में लोग कुछ और ही सोच लेते हैं। भगवान, ज्यादा उम्र वाले मर्द की और पुरानी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं, ये तो आपको पता है। पिछले 4 सालों में मैं 15 रिश्ते देख चुका हूँ। जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन एक भी सेट नहीं हुआ भगवान। अब उसका कारण क्या है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मेरा हकलाना, अब क्या करूँ हनुमान जी? वैसे तो मैं हमेशा टीवी एंकर की तरह बकबक करता रहता हूँ, लेकिन जब ज्यादा खुशी हो या टेंशन हो तो हकलाने लग जाता हूँ, और इसी वजह से कोई लड़की सेट नहीं हो रही है। हनुमान जी, अभी एक और रिश्ता देखने जा रहा हूँ, अगर वो मुझे पसंद आ जाए तो मैं हकलाऊं नहीं, जरा इस पर ध्यान देना। हाँ, वैसे आपका कोई कर्जा नहीं रखूंगा। कल जब मेरा बेटा हो जाए या फिर बेटी हो जाए तो भी उसका नाम हनुमान ही रखूंगा। हा? अरे ओ भगवान के भक्त, बहुत हाथ जोड़ लिया, जल्दी से आजा, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। अबे तू नींद से जग गया? रुकना जरा, डील फाइनल हो रही है। चलता हूँ हनुमान जी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे आना यार, देर हो रही है। आ रहा हूँ यार। क्या बात है राजू, बहुत खुश लग रहे हो। चुप कर, अभी हकला कर बोला ना तो तेरी खैर नहीं। कम से कम ये रिश्ता तो फाइनल हो। इसलिए हनुमान जी को पूजा था। ठीक है, लेकिन पूजा इतनी लंबी नहीं होती है। चल उधर। 1 मिनट। हमेशा चोरों की तरह ये कोट क्यों पहनता है? शुभ शुभ बोलो, कृष्ण भगवान को बांसुरी प्यारी है तो मुझे ये कोट। मेरी कामयाबी की वजह ये कोट ही है। पहले मेरी शादी करवा, पागल कहीं का। चलो उधर, उसी के लिए तो आया हूँ। चलो उतरो। अरे आओ बेटा, अच्छा है, वास्तु बढ़िया है। ध्यान से आना। चलो आओ, बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। मिठाई लीजिए। तुम भी लो बेटा। नहीं नहीं, लड़का शायद शर्मिला है। हकलाता भी है। क्या कहा? मेरा मतलब ये संस्कारी भी है। वो तो दिखाई दे रहा है। मिठाई तो बहुत अच्छी है जी। इन फोटोज में अभिषेक बच्चन रामचरण NTR है ना? किस शूटिंग में खिंचवाई थी? शूटिंग में नहीं, मैरिज की है। इनकी शादियाँ मैंने ही करवाई हैं। अमिताभ बच्चन की शादी भी आपने ही करवाई थी? वो मैंने नहीं, पिताजी ने करवाई थी। अब मैं बाहुबली के प्रभास जैसे दिखता हूँ तो क्या करूँ। एनीवे, नाइस स्वीट। पहले बकवास और खाना बंद करके लड़की को बुलाने को बोल। अब जरा लड़की को बुला दीजिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। ठीक है ठीक है, वो जरूरी बात तो मैं भूल ही गया। लक्ष्मी, बेटी को लेकर यहाँ आओ। बेटा, लड़की पसंद आई ना? पसंद है जी। मती मारी गई मेरी। तो ठीक है, आपके घर वालों से बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किस लिए? मैं हकलाता हूँ ना। हकलाने में क्या है बेटा, आजकल तो गूंगे बहरों की भी शादियाँ हो जाती हैं। हकलाना बड़ी बात नहीं है। आपका जवाब नहीं है। वैसे मैं आपकी बेटी को पसंद हूँ। 100% पसंद हो, इसीलिए तो मुहूर्त निकलवा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ। हमारा परिवार संस्कारी है बेटा, सिनेमा की तरह साइड में ले जाकर बात करना हमें पसंद नहीं। शादी के बाद एक साथ सारी बातें कर लेना। साइड में नहीं, यहीं बात कर लूंगा। आपका नाम? संध्या। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12वीं के बाद पढ़ाई रोक दी, कॉलेज में लड़कों से तंग आकर। आपको खाना बनाना आता है? वो आप रुकिए, आप बोलिए। सुनो बेटा, पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है। पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है। क्या कहा? अरे पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए कहा था मशीन लगा लेती हूँ। चुप करो। क्या कर रहा है? इस तरह गालियाँ मत दे, घोर पाप है ये। घोर पाप है? काट कर मार दूंगा। बेवकूफ, लड़की की जगह साउंड मशीन दिखाने ले गया था। बहरिया और हकलाने का कॉम्बिनेशन सेट करके पूरा कमीशन मार लेना चाहता था। लालची कहेंगे, लालची। मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे ये बोलकर बदनाम मत कर। अरे वो बहरिया, मुझे क्या पता था, मैंने भी तो तेरी तरह फोटो ही देखा था। इस बार माफ कर दे यार, जल्द ही तेरे लिए मस्त सुंदर सुशील कन्या ढूंढ कर लाऊंगा, फिर तेरी शिकायत दूर हो जाएगी। चुप बैठ। पिछले कुछ सालों से यही तो सुन रहा हूँ, तेरे देखने से पहले ही बुढ़ा हो जाऊंगा मैं। बेवकूफ कहीं का। डांट मत यार, कहा ना ढूंढ कर लाऊंगा। वो बंद कर। इस बैड मूड से बाहर आने के लिए इसे अंदर डालनी पड़ेगी। क्या यार, तू दारू भी पीता है? रेगुलर नहीं यार, जब ग्रह दशा खराब होते हैं और बीवी मारती है तभी। वैसे ये रोज ही होता है। ए बुढ़िया, बुढ़िया, लाइट बंद करके क्या कर रही है? कहाँ है तू? राजू, राजू। ए, उठ जा, मैं दादी हूँ रे तेरी। हाँ? हाँ? आप हो क्या? ये चेहरे पे चूना क्यों लगा रखा है? ये चूना नहीं, ये फेस मास्क है, चेहरे पर झुर्रियाँ कम करने वाली क्रीम। तेरी तो बुढ़ी को झुर्रियों की क्रीम चाहिए। चल जा, जाके धो ले, डर लग रहा है। बदतमीज हर एक चीज से डरता है, डरपोक कहीं का। इसकी तो, इस बुढ़िया को भूतों के पिक्चर अच्छे लगते हैं। वैसे वो लड़की कैसी लगी तुझे काजू? दादी माँ, कितनी बार बोला कि मुझे काजू मत बोला करो, बुलाना है तो राजकुमार कहो या फिर राजू पुकारो। अगर फिर से काजू बोली ना तो दो रख कर दूंगा। ठीक है ठीक है, ये बता वो लड़की कैसी लगी तुझे? बहरी है। हाँ। बहरी मतलब नॉर्मल नहीं है, पूरी बहरी है। हाँ, मतलब ये रिश्ता भी सेट नहीं हुआ। हाँ। हाँ। तू शादी कब करेगा, बच्चे कब पैदा करेगा, मैं उनके साथ कब खेलूंगी? भूतों की पिक्चर उनके साथ देखूंगी। हाँ। चलो जाओ, जाके खाना लगाओ। कहीं का पागल लड़का, पता नहीं कब शादी करेगा। हाय मामा जी। हाय आयशु। मामा जी कितनी बार बोलना पड़ेगा कि आयशु मत कहो, कॉल मी ऐश। ठीक है ठीक है, ऐश बेटा। गुड। ऐसे लड़की देखने गए थे ना? गया और आ गया। समझ गई मामा जी। यहाँ भी बात नहीं बनी ना? एक काम कीजिए, मेरी स्कूल में मेरी क्लासमेट है राधा, वो बहुत सुंदर है, उससे शादी कर लीजिए। हाँ हाँ कर लेगा कर लेगा, तुम पहले खाना खा लो। बड़ी बड़ी बातें करती है, फोन दो। हाँ भाई क्या हुआ, ये भी सेट नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। जल्दी कुछ करना होगा, कोई तो रिश्ता पक्का होना चाहिए ना। वो जरा मुझे बात तो करने दो। सुनो, इससे थोड़ी देर बात करो, दिमाग खराब कर रही है, और जल्दी रख देना। और मामा जी क्या हालचाल? ए और क्या हालचाल पूछेगी, अब तक बात की थी ना। बाय बोलो। ठीक है रखती हूँ, फोन में बैलेंस खत्म हो जाएगा इसीलिए मम्मी को टेंशन हो रही है। ठीक है बाय बाय। मामा जी मामा जी। बोलो बेटा। आई लव यू मामा जी। आई लव यू बेटा। ओ तेरी, कल तक तो स्कूल ड्रेस में देखकर सोचा था अब तक छोटी है, अरे बापरे बापरे बापरे, अब तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर ध्यान से इसके साथ सेटिंग कर लूं तो रिश्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे। शायद एज गैप ज्यादा हो जाएगा। अपने करीना कपूर और सैफ अली खान का भी तो सेम एज गैप है। वैसे भी प्यार में एज गैप कैसा। बहुत हो गया, अंदर जा। रुको ना माँ, और 2 सेट्स करने दो। तेरे सेट करने से पहले वो तुझे सेट कर लेगा, अंदर जा कहा ना। आप हमेशा ऐसा करती हो। एक दिन सड़क पर लाएगी ये, आवारा कहीं का। लड़की दिखती नहीं, बस ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। 16 साल की लड़की को नहीं छोड़ते, 60 साल की बूढ़ी को नहीं छोड़ते, ऐसा ही होता है। वक्त पर शादी ना हो तो आखिर में बच्चों को भी नहीं छोड़ते, नालायक और बदनाम कहीं के, निकम्मे। क्या रे काजू, एक्सरसाइज कर रहा है तू? हाँ। कैसे हैं डोले शोले? हाँ हाँ अच्छे ही हैं, लेकिन डोलो शोलो का क्या फायदा जब सीने में ही दम नहीं है। अच्छा, सच में? तू अभी बुढ़िया हो गई है, वैसे भी तुझसे क्या मिलने वाला है मुझे, फिर भी तुझे पाल रहा हूँ ना। ये भी वैसे ही है, बस देखकर खुश हो जाते हैं। क्यों भाई, दादी को किसी मूवी के टाइटल के बारे में बता रहा है क्या? ए यहाँ मैटर मूवी के बारे में नहीं, टाइटल के बारे में नहीं। डोले शोले बढ़ाकर कुछ नहीं होगा, सीने में दम बढ़ा, ऐसे में बोल रही हूँ इसे। क्या बढ़ाने का, दम ब्लड में होना चाहिए। वैसे भी मैं तो पूरा तेरे पति पर ही गया हूँ, जायदाद तो नहीं दी, बस हकलाना और डरना ही देकर गया। सुन, वो हकलाकर जरूर बोलते थे लेकिन तेरी तरह डरपोक नहीं थे। उन दिनों जब मैं जवान थी तब अगर कोई मुझे देखकर कमेंट करता था तब उसे पकड़ के वही के वही काट देते थे वो। लेकिन तूने क्या किया, रिसेंटली जब किसी ने मुझे देखकर कमेंट किया, बॉडी में दम नहीं कहकर चुपचाप वहाँ से चलता बना। क्या कहा, इस उम्र में भी तुम पर कोई कमेंट किया? कौन है वो बेवकूफ? पागल कहीं का, निकम्मे टेस्ट उसे नहीं तुझे नहीं है, वेस्ट फेलो। ये बुढ़िया क्या खाती है, जबड़ा तोड़ दिया मेरा। मैं कहाँ चुपचाप क्लब जा रहा था, यहाँ बेकार में चला आया, इस बुढ़िया का मार खाना था। अरे तुझे तो आदत है यार। हाँ ठीक है, मेरे क्लब का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा कल लड़की देखने गया था, क्या हुआ? ये भी गई हाथ से। अरे जल्दी कर ले भाई, कब तक इस बुढ़िया के हाथ की रोटी खाते रहेगा। क्या बकबक कर रहा है? मैं चलता हूँ नहीं तो मारेगी। ए काजू, सब्जियाँ लेनी है, नीचे आ जा। आ रहा हूँ। मेरी शादी करवाओ मेरी। क्या चाचा कैसे हो, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ राजू। सब्जियाँ तो बड़ी ताज़ा हैं। पकी हुई भिंडी मुझे मत दो, पकी हुई चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चाहिए राजू? ये पालक देना और 1 किलो आलू दे देना। कद्दू ले लो, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। देखो कैसा गोल मटोल है, कहाँ से शुरू होता है पता ही नहीं चलता। मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं 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 चाहिए। क्या हुआ राजू बेटे, इस तरह डर क्यों रहे हो? लाश चाचा। हाँ तो क्या हुआ? मुझे लाश से डर लगता है। लेकिन ये तो लाश है, इससे क्या डरना? आपको क्या पता चाचा, भूत जो है ना लाश से ही आते हैं। ठीक है, कितने हुए? 120। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मस्तानी कब आएगी, बीती जाए जिंदगानी। ओए, कितनी तेज चला रहा है गाड़ी, देखा ना? ऐसे ही तेज चलाएगा तो कहीं ना कहीं मरेगा। लगता तो यही है भैया। अरे ओए, उसने तो पोल में मार दिया। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, भाई साहब उठो, भाई साहब, ओ भाई साहब उठो। हाँ? भैया साहब, वाहे गुरु तेरी तो। कंकर सही से निकालो। क्या बात है, सुबह सुबह क्लास ले रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? तुम्हारे रिश्ते का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब दे दे के थक गया हूँ। मतलब वही हुआ जो हमेशा होता है। ठीक है, चावल की बोरियाँ लेकर के जाओ। वो तो ले जाऊंगा, लेकिन क्या बात है आज बहुत सेक्सी दिख रहे हो। सीधा सीधा बोलना, तुझे पैसे चाहिए? मक्खन लगाने की क्या जरूरत है, कितने चाहिए? फिर से वही, मैंने कभी हिसाब मांगा है क्या? सारे हिसाब आप ही तो देखते हो। मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो? धोखा? अरे आपको कौन से मुझे करोड़ों देना है जो आप मुझे कभी धोखा दे सकते हैं? चलिए चाचा बस कीजिए आपका मजाक। बचपन से देख रहा हूँ आपको, तो आपके बारे में मैं जानता नहीं क्या? अरे और राजू, इस बार बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। मैं नहीं मानता। देख रहे हो चाचा, कितनी मुश्किलें झेल कर इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहा हूँ और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। बोल रहा ना कि रिश्ता अच्छा है। यही बात मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। चलता हूँ चाचा। चाचा हुआ है, रुक जा रुक जा। मैं जानता हूँ क्यों तू इस तरह से बात कर रहा है। अगर इस बार तूने फोटो देखी ना तो देखता रह जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं है, इस बार इस लड़की में कोई कमी नहीं है। दिखाता हूँ, नाम रोजा। कैसी है रोजा? ताजा खाजा की तरह है रोजा। राजू तेरे की कल लड़की वालों के घर पर बेबे बेबे करके हकलाना मत। राजू तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, बस तू वहाँ पर मुंह बंद करके बैठे रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ रोजा, राजा आजा, घर आ गया, रोक ले। आइए आइए। नमस्ते सर, क्लाइंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आ जाएंगे, आप बैठिए ना। आजा आजा। ब्रह्मीराज चुपचाप इस बोतल में आजा आजा। अरे मैं तुम्हारी बीवी थोड़े ही हूँ जो बुलाते ही आ जाऊंगा। बीवी बुलाने से नहीं आती, चिल्लाने से आती है। और तू मार खाकर इस बोतल में आएगा। अरे आ आपकी लड़की भूत से नहीं डरेगी, भूत आपकी लड़की से डरेगा। आप निश्चिंत हो जाइए। ये बोतल ले जाकर रात को 10 बजे शमशान में गाड़ दीजिए। मैं 12 बजे आकर गंगा जल डाल दूंगा। भूतों के राजा, चुपचाप ढक्कन खोल, नहीं खोला तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। खोल जल्दी। ब्रह्मराज खामोश, बोतल में बंद होने के बाद भी तेरा चिल्लाना बंद नहीं हुआ। चल रुक, तुझे फिनिशिंग टच देता हूं मैं। ये तो भूतों का वैद लगता है। लगता क्यों है, भूतों का ही वैद है। एक दूंगा घुमा के। तुझे लड़की से शादी करनी है ना, वो भूतों का वैद्य है तो क्या, सेक्स का डॉक्टर है तो क्या। चुपचाप बैठा। क्या बात है, बोलो। कुछ खास नहीं सर। इसे आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई। थैंक यू। वैसे सब यही कहते हैं। जानते हो, मेरी हेयर स्टाइल देखकर ही तो इसने शादी की थी। आजकल थोड़े झड़ रहे, इसलिए परेशानी हो रही है। वैसे मेरा नाम तो सुना ही होगा, भूतों का राजा, भूतों का वैद्य हूँ। कितना भी बड़ा भूत क्यों ना हो, उसके हाथ पैर तोड़कर, हो सका तो मुंडी मरोड़कर बोतल में डाल देता हूँ। अभी डेमो देखा ना, उसके अंदर जो भूत था उसका नाम ब्रह्मराज था। उस आदमी का भूत फिल्मों में हीरो बनना चाहता था और इस लड़की का पति बनना चाहता था। दोनों नहीं बन पाया, भूत बन गया। जिनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो भूत बन जाते हैं। ये MLA की बेटी है ना? या मेरी क्लाइंट है, मैंने ही शादी करवाई। अच्छे मुहूर्त में करवाई थी, मेरी भी क्लाइंट थी। सामने दीवार पर देखो। क्या हो गया था इसे? इसे एक भूत ने पकड़ लिया था। ये भूतों की कहानियाँ क्या है। पहले लड़की को बुलाने को बोल, बेवकूफ। मेरी बात सुनिए भूतों के वैद्य, इस मैटर पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लड़की को बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। भूतों के बारे में बात करता हूँ तो समय का पता नहीं चलता। सुनो, जाके भूतनी को बुलाओ। नहीं मतलब लड़की को बुलाओ। टेंशन मत लो। मुंह में मच्छर घुस जाएगा। हाँ। लड़की पसंद आई क्या? हाँ। घर के बड़ों से बात करके मुहूर्त निकलवा लेते हैं, ठीक है? हाँ। पापा, मुझे इनसे बात करनी है। जरूरत नहीं है, सगाई के बाद बात कर लेना। वो कुछ बात करना चाहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। सही है, वैसे भी सगाई के बाद तो रोज बात करें। तू चुप कर यार। आप बात करना चाहती है ना, चलिए ना, आइए। आइए। बैक सुपर्ब है। हाय। मुझे कोई भी बात स्ट्रेट और फ्रैंक करना पसंद है। मैं ये 8वां रिश्ता देख रही हूँ और आप 16 हुआ। मेरे इतने सेक्सी होने के बाद भी सबके मुझे रिजेक्ट करने का कारण है मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और मेरी जॉब। वैसे मैं कौन सी जॉब करती हूँ पता है ना? पुलिस कांस्टेबल। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10 स्टैंडर्ड। पास हो या फेल? फेल। पहले कभी किसी से प्यार किया है आपने? मैंने तो 2 लोगों से प्यार किया है, लेकिन यू नो, उन दोनों के कारनामों की वजह से एक का पैर और एक का हाथ काट दिया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम दहेज नहीं देंगे, और मांगोगे तो खाल उधेड़ दूंगी। तो चलो अब बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या समझता है तू अपने आप को? हाँ? इससे क्या हुआ? आपसे तू पे आ गई। अपने आप को शाहरुख खान समझते हो क्या तुम? तू और तेरी बकवास दाढ़ी। खुद तो 10th भी पास नहीं किया है और मुझे रिजेक्ट कर रहा है। बोलते वक्त हकलाता है। डांट क्यों रही हैं आप? सिर्फ डांटूंगी नहीं, मार दूंगी तुझे। रुक रुक कर बोलने वाले, तुझमें इतनी हिम्मत कि मुझे ना कहेगा रुक जाओ। ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? मैं पसंद हूँ या नहीं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या समझता है तू अपने आप को? अरे तू कोई शाहरुख खान है क्या? रसगुल्ले जैसी लड़की ने हाँ कह दिया और तुझे टाइम चाहिए? क्या कमी है लड़की में? चल बोल। वो मुझे पसंद तो है यार, लेकिन उसका कैरेक्टर लड़कों की तरह है। गुस्सा आया तो मारेगी। वो भी डायरेक्टली मुझसे कह दिया, जानता है तू। अरे पागल कहीं का, मारेगी सोचकर शादी से इनकार कर रहा है। अरे शादी के बाद पत्नी के हाथों पति का पिटना कॉमन है भाई। इस दुनिया में शादीशुदा इंसान किसी न किसी परिस्थिति में बीवी के हाथों मार खाता ही है। अगर वो मना करता है तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। मैं समझ गया। ये निशान देखा तुमने? बाहुबली दूसरी बार नहीं दिखा पाया तो चिमटे से मार दिया उसने। हालांकि बाद में सॉरी भी कहा। चोट की वजह से दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उस चांदनी रात में जो रोमांस हुआ, बीवी के हाथों मार खाने के बाद जो रियल रोमांस आता ना, उसका किक ही अलग है यार। पोएटिक वे में कहूँ तो बीवी से हारने में ही जीत है। राजू तेरे लिए वही लड़की सही है। सुन, ज्यादा सोच मत, वो लड़की हिम्मत वाली है और तू है डरपोक। करेक्ट मैच है, हाँ कह दे। पक्का हाँ बोल दूं? ए भाई कितनी तेज धूप है, 3 आइसक्रीम मारना। 3 क्यों यार? 2 मेरे और 1 तेरे लिए। ये लीजिए सर। दे। ए, रुक रुक। अगर पास आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर दे, मुझे क्या है। जो चेन चुराई है उसे लौटा दे, इसके साथ जो चाहे वो कर। ये क्या है जी, मेरे गले से ज्यादा आपकी चेन जरूरी है? हाँ बिल्कुल है। ए जल्दी मार इसे और चेन वापस कर। अरे तू कैसी पुलिस वाली है? सोचा था इस पर चाकू रखूंगा तो डर कर चेन छोड़ देगी। इसका गला काट कर तुझे चेन लौटा दूं और उसके बाद मैं आराम से जेल चला जाऊँ। अरे पुलिस वाली, तुम यही सोच रही हो ना? अरे मैं क्या तुम्हें इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ? तो एक काम कर, इसे मार कर चेन लेकर भाग जा। अरे कमाल करती है, इतना अन्याय। मैंने कौन सी गलती कर दी जो ऐसा बदला ले रही है? अपनी फैमिली के बारे में मैंने कितने सपने देखे हैं पता है? आपकी फोटो देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया था। ऐसा था तो फिर टाइम क्यों मांगा? टाइम मांगा था, लेकिन कब? मेरे चेन चुराने से पहले या बाद में? तू चुप कर। बीच में ही। सुनिए, मैं स्लो हूँ लेकिन आप तो सुपर फास्ट हैं। आपको गुस्सा आने पर आप मारती हैं। मुझे मार खाने से डर लगता है, कभी खाई नहीं है ना। लेकिन अब तो वो डर भी नहीं रहा, क्योंकि बीवी से मार खाने के बाद रोमांस बढ़ जाता है। ये बात किसने कही थी? नमस्ते मैडम। सो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? हाँ। तो शादी के बाद मार खाने के लिए भी रेडी रहना। हाँ। अरे धत, ये शादी, मार खाना और ये इस तरह शर्मा क्यों रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? पुलिस वाली मुझे बताओ। मैं बताती हूँ। इतनी जोर से मार दिया। चल चेन वापस कर। और ये हाँ, ये लीजिए आपकी चेन। थैंक्स बेटी, तुमने वक्त पर आकर हमारी रक्षा की। चलते हैं बेटी। हाँ। तो हम शादी कब कर रहे हैं? अब जब कहो तब। ए बुढ़िया, क्या बना रही है? चल पानी दे। एक काजू वो क्या है? ओके। ऐसे शूशू क्या कर रही है? क्या है ये? चलो बताओ कौन है? काजल, प्रियंका, आयशु बेटा। मेरा बच्चा आयशु। मामा जी कॉल मी ऐश। ओके ऐश, कब आई तुम? और इतनी सडनली कैसे? कल इसका बर्थडे है ना, मामा जी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। मामा जी को बिना बताए सरप्राइज देंगे। ये बोल बोल कर इसने मेरी जान खा ली। मेरी बच्ची मुझसे इतना प्यार करती है। मामा जी मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए, बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए। ठीक है बेटा, सब दिला दूंगा। दीदी जीजू कहाँ है? तुम तो जानते हो ना, उन्हें पत्ते खेलने का कितना शौक है। पड़ोसी गए हैं खेलने के लिए। क्या जीजू, आधे ही पत्ते खेलने लगे। अरे तुम्हारा इंतजार करते करते टाइम पास करने लगा साले साहब। जोक अच्छा है। चलिए आयशु को शॉपिंग करवाते हैं, आइए। अरे नहीं, खेल में बहुत मजा आ रहा है साले साहब। पापा अब खेल बहुत हो गया, चलिए ना। अरे रे, मेरी बेटी को शॉपिंग करनी है, लेकिन क्या है साले साहब, आज मेरा हाथ बहुत लकी है, आते ही 500 लगा दिया। प्लीज प्लीज तुम लोग जाकर आ जाओ ना। हाँ ठीक है। ए राजू, एक हाथ तू भी खेलना। पत्ते ना नालायक लोग खेलते हैं। आप लोग खेलिए। अरे रे, वैसे भी हम लोग नालायक हैं। चल डाल। आओ बेटा। अरे भाई 2 बलून देना। चाहिए। कितना हुआ? 50 रुपए सर। आयशु कहाँ जा रही हो? अरे बेटा रुक जाओ। मामा जी थोड़ी देर खेलते हैं। बहुत धूप है बेटा। कुछ नहीं होगा, आ जाइए। अरे ध्यान से गिर जाओगी। आयशु, आयशु भागो मत। बेटा आयशु, बेटा आयशु, आयशु, आयशु। बच्ची की हालत कैसी है? उसके ब्रेन एरिया में malformation डिजीज है। यदि ऑपरेशन नहीं किया तो बच्ची बचेगी नहीं। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर आप लोगों ने जल्दी फैसला नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर पैसे में लेकर आ जाऊंगा, बच्ची को किसी तरह बचा लीजिए। परेशान मत होइए, हमारा यही काम है। पैसों का इंतजाम कीजिए। कहाँ जा रहा है? पैसों का इंतजाम कर ले। इतनी जल्दी मैं पैसे कहाँ से लाएगा तू? कैसे भी लाऊंगा मैं। बच्ची का ध्यान रखना। जीजू आइए। हाँ। हाय राजू, क्या हुआ सुबह से कॉल नहीं किया? बिजी हो? कुछ नहीं, वो छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतने पैसे एक साथ? इन बातों का वक्त नहीं है, अब जाओ जल्दी से और पैसों का इंतजाम करो, ठीक है? वो तो ठीक है, इतना पैसा आया कहाँ से? अपनी इयररिंग्स बेच दी। हाँ। ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? शादी से पहले ऐसे करेंगे तो? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं उन्हें पता चल जाएगा। इन सब के बारे में मत सोचो राजू, ओके? चुपचाप रख लो। थैंक्स बहन। प्लीज ऐसा मत कहिए। आप लोग जाइए, मैं ऐश्वर्या के पास जाती हूँ। ठीक है। हाँ, चलो। धंधा अच्छा नहीं चल रहा राजू। सॉरी राजू। नहीं है राजू, मेरे पास यही 10,000 है यार। थैंक्स यार। कोई बात नहीं, तुम इसे लेकर जाओ, मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। ओके थैंक्स। अभी मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख है, रहते तो पूरा दे देता मैं। कोई बात नहीं चाचा, यही बहुत है। कुछ लिख कर दूं क्या? मुंह बंद करेगा अपना। तू मुझे लिख कर क्या देगा? 1 रुपए भी ब्याज नहीं चाहिए मुझे। तेरी हर महीने की तनख्वाह से धीरे धीरे काट लूंगा, ठीक है? थैंक्स चाचा। बढ़ाया थैंक्स कहने वाला। जाकर बाकी पैसों का इंतजाम करो। पिछले कुछ दिनों से हो रहे लॉरी मिसिंग केस की पुलिस वालों ने जांच करके आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। उस प्रांत में रहने वाला जिन्ना नाम के शख्स ने ये सब किया है, ऐसा पुलिस के सबूतों ने प्रूव किया है। साधारण पैसेंजर की तरह लॉरी में बैठकर समय देखकर ड्राइवर और क्लीनर को वो बेरहमी से मारता था। लाशों को वही गाड़ कर लॉरी को लेकर भाग जाता था। चोरी की लॉरी को डिसमेंटल करके पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर बेच देता था। अब तक इस लॉरी चोर राक्षस ने 20 लोगों की बेरहमी से जान दी है। सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाले इस हैवान को सीआई आदित्य ने ट्रैप करके कस्टडी में ले लिया है। अभी खूनी जिन्ना को कोर्ट ले जाने वाले एक्सक्लूसिव विजुअल्स को TV5 आप तक पहुंचा रहा है। अरे ये पुलिस वाले क्रिमिनल्स का चेहरा ऐसे ढक क्यों देते हैं? चेहरा दिखाएंगे तो सब उससे सतर्क हो जाएंगे ना। जीजू, इस वक्त उसका चेहरा देखना जरूरी है क्या? चाचा मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। ये लीजिए सर। बाकी के पैसे 150 रुपए दिए थे। 110 की सिगरेट, 40 रुपए वापस मांगेंगे आप? कमीशन लेने की आदत तेरी गई नहीं। आदत तो भी है ना। इधर आ। सॉरी यार, 2-5 हजार की बात होती तो कर देता, पर लाख रुपए। चुप कर यार, तेरी हालत तो मुझे पता है। सोचा था यहाँ तेरी बड़े लोगों से पहचान है, किसी से बात करके कर्जा दिलवा देगा। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। चलो जीजू, तुम तो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हो ना? जीजू, आईशू अभी ज्यादा जरूरी है। गाड़ी बेचे बिना पैसा कमाने का आइडिया मेरे पास है। कैसा आइडिया? तुम्हारे पास जो पैसा है वो मुझे दे दो। उन पैसों से पत्ते खेलकर मैं 5 लाख कमा सकता हूँ। जानते हो ना, आज मेरा हाथ बहुत लकी है। क्या बोलते हो? तो आप गेम खेलोगे? हाँ, बेटी को मौत के मुँह में डालकर यहाँ पत्ते खेलोगे? दिमाग खराब है आपका। चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। जीजू, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, नहा कर आता हूँ। बाद में गैरेज चलते हैं। ठीक है, जल्दी आना। जीजू, जीजू जीजू जीजू, हाँ साले साहब, पैसे कहाँ हैं? वो मेरे पास हैं। अरे अच्छे से मांगने पर तुमने दिया नहीं, इसीलिए बिना बताए ले लिया। देखो साले साहब, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आते ही फर्स्ट गेम में मैं 10 हजार जीत गया। आप एक बाप ही हो ना? बाप हूँ, इसीलिए रिस्क उठा रहा हूँ। जीजू मेरी बात। अरे चुप, तुम कुछ मत बोलो। बस मुझे 1 घंटा दो। जी एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। एंथोनी से मिलना है। लेफ्ट लेकर राइट में रूम है। थैंक यू। एंथोनी है? एंथोनी, समवन वांट्स टू टॉक टू यू। माल लेकर आए हो? नकली माल बेचने की कोशिश करना गलती है, और फिर मुझ पर इस तरह गन रखना उससे भी बड़ी गलती। एक और गलती कर रहे हैं, पैसे बाहर निकालकर। शो ओ साले साहब, यहाँ आओ यहाँ। तुम्हें पता है मैं 1 लाख जीत चुका हूँ। बहुत खेल लिया, चलिए। अरे कहाँ चलें? आधे घंटे में ही मैं 1 लाख जीत गया। थोड़ी देर तुम मुझे और छोड़ दो, देखना मैं 3 लाख जीत जाऊंगा। कहा था ना साले साहब, आज मेरा हाथ बहुत लकी है। अरे भाई रवि समझाओ ना इसे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ से चलते हैं। चलिए। ए, इसमें डरने की क्या बात है? जीजा जी अच्छा खेल रहे हैं, आज जीत कर ही जाएंगे, गारंटी है। हाँ। अबे तू भी ऐसी बात कर रहा है, पत्तों में क्या गारंटी होती है? सही है यार, लेकिन आज जीजा जी का लक जोर मार रहा है, ऐसा चांस बार बार नहीं आता। देख चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, यहाँ कौन कौन कैसे कैसे खेलता है मुझे पता है। ए, मेरी बात सुन। ए, अब तू ज्यादा मत बोल, मुंह बंद करके खेल देख। करेक्ट। क्या हुआ, और खेलोगे? हाँ चलिए अब चलते हैं जीजू, काफी पैसा हो गया है। तुम रुको, पैसे हैं या खत्म हो गए? खेल। जीजू अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, अपने पास उतना पैसा नहीं है, अब बस कीजिए जीजू। चुप रहो। ये लो ट्रक रख रहे हैं। सब क्या है जीजू, किसी भी बात की लिमिट होती है। चलिए यहाँ से चलते हैं। वो खेल रहा है ना, खेलने दो उसे। नहीं सर, हमें बहुत काम है। काम तो हमें भी है, गेम कंप्लीट करके जाओ, बीच में गया ना तो अच्छा नहीं होगा। पास एक और इक्का कैसे आया? चाल चल रहे हो? चुपचाप हमारे पैसे हमें दे दो, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करूंगा। इसे कंप्लेन करना है जाकर कर दे। धक्का क्यों दे रहा है? हमारा पैसा हमें दे दूंगा तो क्या कर लेगा? ए, क्या ये गुंडा कर दी? चुपचाप बाहर निकल। ये क्या सर, 5000? उसे कितनी मुश्किल से मनाया पता है। 5000 और दीजिए। दीजिए ना भाई, क्या सोच रहे हैं? बे तू यहाँ अंदर कैसे आया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? एंथोनी, अभी इंफॉर्मेशन मिली है, अपने क्लब में पुलिस रेड करने आ रही है। तेरी कहानी सुनने के बाद लाइफ में पहली बार मुझे भी दया आ रही है। छोटी बच्ची, अगर तू पैसे नहीं ले जाएगा तो मर जाएगी वो। वेरी टचिंग। लेकिन मैं कुछ भी फ्री में नहीं करता। पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले इन डेड बॉडीज को यहाँ से हटाना होगा। एक काम कर, अपनी ट्रक में इन डेड बॉडीज को ले जाकर कहीं दूर फेंक दे। इस वक्त मेरी व्हीकल सेफ नहीं है। तेरे लौट कर आते ही तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे और तेरे जीजा को भी छोड़ दूंगा। इतना सोच क्यों रहा है? कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। उस लड़की को बचाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। यहाँ से जाने के बाद अगर तूने पुलिस को हमारे बारे में बताया तो तेरे जीजा का भी यही हाल होगा। तू ये काम जितनी जल्दी करेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ए, गाड़ी निकाल। ही पूछ रहा हूं, गाड़ी में क्या है? टमाटर का रस है ना, लेकिन इतना कड़वा क्यों है? हाँ, शायद ये किसी शत्रु देश की चाल है। याद है ना, हिटलर ने भी महात्मा गांधी को इसी तरह मारा था। मैं अपने देश की रक्षा किसी भी तरह करूंगा, रक्षा करूंगा। तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। ए, रुक जाओ, ए, गद्दार, अगर नहीं रुके तो तुम्हें खाई में गिरा दूंगा। ए, मैं भी चढ़ता हूँ, मैं भी आता हूँ। हेलो, कहाँ हो राजू? अराकू रोड पर। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब आयशु कैसी है? अभी होश आया है। लो बात करो उससे। मुझे बात करनी है मामा जी। आयशु, क्या मैं मर जाऊंगी मामा जी? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। बहुत डर लग रहा है मामा जी। आप कहाँ चले गए? जल्दी आ जाओ मामा जी। आ जाऊंगा मैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, अच्छी तरह मनाएंगे। हाँ, ठीक है ना? रखता हूँ। हाँ मामा जी, मामा जी। बोलो बेटा। आई लव यू मामा जी। आई लव यू बेटा। Please help me. क्या देख रहे हो? एक्सीडेंट नहीं देखा है क्या? हाँ? कल हाईवे किलर को अरेस्ट किया था। आज जेल से कोर्ट ले जाते वक्त वो हम पे अटैक करके भाग गया। तुम्हारे पास रुमाल है क्या? हाँ? दो। तुमने किलर को देखा? नहीं सर। उसके जैसा खतरनाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उसने सबको बहुत बेरहमी से मार दिया। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह से मैं बच गया। हाँ बोलो अजय। शिट, तुम ठीक तो हो ना? नो सर, मुझे भी चोट लगी है। पास में ही कहीं फर्स्ट एड करवा के चेक पोस्ट के पास चला आता हूँ सर। ओके ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ। यार अभी। जी सर, चलो जी। इतना घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं सर, ठीक हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए हकला रहे हो। सर मैं तो हकला कर ही बोलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अराकू सर। गाड़ी में क्या है? चावल के बैग्स हैं। सर आपको कहाँ उतरना है? पहले किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है, बाद में चेक पोस्ट पर उतार दो। ओके सर, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। आपको मैं हॉस्पिटल छोड़कर चला जाऊँ सर? ऐसी हालत में तुम मुझे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? चुपचाप गाड़ी चला। वो मुझे अर्जेंट। ओके सर, ओके। शायद वहाँ कोई हॉस्पिटल है, गाड़ी रोको। सर मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ सर। सर कुत्ता क्यों चिल्ला रहा था? शायद भूख लगी होगी सर, बिस्किट डाल दिया है। चलो। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, अभी आसपास ही कहीं होगा। चप्पा चप्पा छान मारो, हर जगह मोस्ट वांटेड पोस्टर लगवा दो, जल्दी करो। सर किलर के पेरेंट्स सिकंदराबाद में रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे हिसाब से वो वहाँ नहीं जाएगा, फिर भी चेक करो। यस सर। जब वो 15 साल का था तो चोरी करने पर मैंने उसे मारा था। वो घर छोड़कर भाग गया था, तब से ही हमारा बेटा हमारे लिए मर गया। उसके बाद उसका और हमारा कोई संबंध नहीं है सर। गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी में कुछ खराबी है सर, अभी देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है सर, पानी लेके आता हूँ। उसके जैसा खतरनाक आदमी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम कांप क्यों रहे हो? ठंड लग रही है सर। अगर ठंड लग रही है तो पसीना क्यों आ रहा है? बोलो। थोड़ा बुखार है सर। सब कुछ सही से मैनेज कर रहे हो तो ये पोस्टर भी तुम्हें ठीक से फाड़ना चाहिए था। बेवकूफ। पुलिस को तुम ही ने फोन किया था ना? नहीं सर, मैंने नहीं किया था, कसम से। कोई गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए, ओके? जी सर। अगर उन्हें मेरे बारे में बताया तो तुझे यही मार दूंगा। उन्हें कैसे भी मैनेज कर। सुनो, पीछे की गाड़ी चेक करो। यस सर। सुनो, कहाँ से आ रहे? वैजाक सर। गाड़ी में क्या है? राइस बैग्स हैं सर। वो कौन है? क्लीनर है। मुंह क्यों ढका हुआ है? बुखार है सर। जरा ओपन करो। सो रहा है वो। मैंने जो बोला है वो करो। जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक हो। वैसे भी तुम भी तो किलर ही हो ना। क्यों शॉक हो रहे हो? गाड़ी में पीछे लाशें हैं ना। अगर कुत्ता पहचान सकता है तो मैं क्यों नहीं पहचान सकता? मुझे लाशों की गंध अच्छे से पता है। गाड़ी रोक रहे? नहीं सर वो। चल रोक। कॉली से। सर प्लीज जाने दीजिए ना सर। कॉली से। हे भगवान, मैंने भी कभी इतनी बेरहमी से नहीं मारा। टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। सर मैंने इन्हें नहीं मारा। असल में अगर मैंने जल्दी जाकर ऑपरेशन नहीं करवाया तो मेरी भांजी बचेगी नहीं सर। मुझे छोड़ दीजिए तो प्लीज सर। दिखने में भोला लगता है और कहानियां भी अच्छी बना लेता है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अरे रे रे रे, जब पुलिस मुझे पकड़ती थी तो मैं भी ऐसी ही कहानियां सुनाता था। सच बोल, इन सबको क्यों मारा? हा? मैंने नहीं मारा सर। ए भाई, वो पुलिस वाला था, उसे उंगली दिखा दी। अरे वो पुलिस वाला है तो अपने को क्या? गाड़ी 120 की स्पीड में है, क्या वो हवा में उड़कर स्पाइडरमैन की तरह आएगा? चल बाहर निकल। सर 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 गलती हो गई सर। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर। उंगली तुमने दिखाई थी ना? चल एक बार मुझे और दिखा। सर वो नशे की हालत में। चल दिखा। सर बोला ना गलती हो गई। चल दिखा। चेहरे से लगता है कि तू डरपोक है। फिर तूने 3 मर्डर कैसे कर दिया? बोला ना सर मैंने नहीं। चल छोड़वा साहब, खाने के लिए कुछ है? बिस्किट है। बिरयानी खाने के टाइम में बिस्किट खिलाएगा? उन लड़कों के पास दारू तो थी लेकिन खाना नहीं था। बहुत भूख लग रही है। वहां शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। गाड़ी वहां ले। अगर तुमने कोऑपरेट किया ना तो अगली फिल्म में हीरोइन तुम ही बनोगी। थैंक यू। क्या है? मैडम का फोन आ रहा है सर जी। उसे कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा फोन करती रहती है। शॉर्ट में बिजी हो बोल दो। मैडम सर शॉर्ट में बिजी हैं। क्यों रे? हाँ हीरोइन से बात करने में बिजी नहीं है? मुंह बंद करके फोन दे उनको। देता हूँ मैडम। किस तरह का रोल होगा? मैडम बात करना चाहती। वन मिनट। हाय डार्लिंग, डिनर कर लिया? हाँ नाटक शाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर यही सीन मूवी में होता ना तो आपको तो पद्मश्री जरूर मिल जाता। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कोई सीरियल किलर है, तुम्हारे ही एरिया में घूम रहा है। अभी मैंने टीवी पे देखा। ध्यान से रहो, अकेले कहीं मत जाओ। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा नाम क्या है? अमरकांत। असली नाम नहीं, स्क्रीन नेम। ओह रिस्क रसेल। रिस्क लेना मेरी आदत है, इसीलिए मैंने अपना नाम रिस्क रसेल रखा। हाँ। अपने चेहरे से मैंने कितनों को फंसाया है। मैं मोस्ट वांटेड हीरो हूँ। वो मोस्ट वांटेड किलर है। मटके जैसा पेट है, तुम क्या फाइट करोगे? ध्यान से रहना। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उस किलर की मौत मेरे हाथों लिखी होगी तभी वो यहाँ आएगा। उसके बाद उसकी खबर ब्रेकिंग न्यूज में देख लेना। फोन रखो। Excuse me? आप यहाँ पर क्यों आए हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। You are SI. उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आप घूम रहे हो। Am I right? Don't worry. वो यहाँ आसपास 10 किलोमीटर में कहीं भी होगा तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। हथेली से उसका खून पी जाऊंगा। रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो बनकर दिखाऊंगा। आप मजे से शूटिंग एंजॉय कीजिए। मेरी फिल्म का टाइटल जानते हैं? नहीं जानते? द ग्रेट इंडियन फिल्म शोले को भोजपुरी में बना रहा हूँ। टाइटल आग है। कैसा है? अच्छा है ना? इसमें धर्मेंद्र के कैरेक्टर के साथ डायरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ। शोले ने उस समय रिकॉर्ड बनाया था, अब मेरी आग उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। क्या हुआ? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, डोंट फियर। सुनो, रिस्क रसेल हियर। ए प्रोडक्शन जल्दी से क्लैप दो। फटाफट क्रिएशंस फैंटा 25/1 टेक 1। वेलकम वीरू, वेलकम। बंद देख रखे। वीरू का रे तोर प्यार बा। कितना दिन बाद आयल वाले रहते हमरा जाल में। जे जाल में फसल बाव कोनो हिरन ना है, शेर शेर हैं हम। अच्छा वीरू। बहुत प्यार करेले शायद। अरे ओ सांभा जी सरदार। ऐसा लगा था जैसे अपन वीरू भाई और बसंती के बीच सब कुछ हो गए। यदि एक और शब्द तोर मुंह से निकले तो तोर जुबान काट दे। बुझले गेंडा। हमके गेंडा कहले। कट। ओके सर कैसी लगी मेरी झकास परफॉर्मेंस? एकदम बकवास। डायलॉग डिलीवरी क्या है? कैरेक्टर में फोर्स नहीं, बॉडी लैंग्वेज एकदम बेकार। अमजद खान, अमिताभ बच्चन, पवन कल्याण ने इस रोल को किया था। कितना पावरफुल कैरेक्टर है। अरे गन ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा हो। चल इधर दे, इधर दे। बेवकूफ देख इधर। अरे कैरेक्टर को स्टाइल दो। गन हैंडल इस तरह करते हैं समझे? अब सर इसीलिए तो आप रस्क रसेल हो भाई। अरे रस्क नहीं, रिस्क रिस्क। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स माय नेक्स्ट शॉट? नेक्स्ट शॉट देखो ऐसा है, ये बेवकूफ तुम्हें यहाँ छुएगा। क्या हुआ, पेन हुआ? हाँ सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, हाथ थोड़ा हार्ड है। वैसे भी ओवर डाइट करके तुम बहुत दुबली हो गई हो, फिर मुझ जैसे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानो, कभी कभी काजू बादाम खाओ। वैन में आओ, बादाम खिलाता हूँ। सर मैं भी आपके साथ चलूं सर? जा, तेरा पैकअप हो गया। इतनी जल्दी बादाम चाहिए? हेलो, क्या हुआ अब तक नहीं आए तुम? फोन भी काट रहे हो मेरा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, पैसे लाने में देर हो गई, आ जाऊंगा। आयशु कैसी है? बेटर है, मुझे देना। तू घबरा मत राजू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तूने खाना खाया? खा लिया दादी माँ। एक मिनट। हेलो भैया, उन्हें फोन दीजिए ना, मुझे बात करनी है। मैं फिर से कॉल करता हूँ। फेंका कि नहीं? फेंक दिया है सर। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अगर अपन वीरू के बचाए के बाद तो नाच के दिखाए के पड़ी नाच। अगर हिला तो गोली मार दूंगा। हाँ बोलो सर, किलर मिल गया, आप अर्जेंट आ जाइए। ए, तो हाँ? तेरा नाम क्या है? रिस्क रसेल। रिस्क रसेल मतलब तू कोई भी रिस्क उठा सकता है हा? अब तक तुमने बहुत सारे विलेंस को फिल्मों में मारा होगा, मारा है ना? हाँ सर। रियल लाइफ में किसी को मारा है? हाँ। एक काम कर, अभी मुझे मार कर रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो बन जा। शूट मी, टेक इट। देख क्या रहे हो? शूट मी। आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं मर्डर करता हूँ, मजाक नहीं करता। मेरे जैसे बेवकूफ की बातें आपने सीरियसली ले ली सर। मेरा शरीर देखिए सर, मैं आपको मार सकता हूँ, मैं फिल्म शूटिंग कर सकता हूँ, गन शूटिंग नहीं सर। झूठ मत बोलो, अभी अभी तो तुम गन कितने स्टाइल से हैंडल कर रहे थे, मैंने देखा था। सर स्टाइल गया तेल लेने, वो नकली गन थी, ये ओरिजिनल है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे 3 गिनने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। One, 2, 3. मुझे अरेस्ट करवाने के लिए उस पुलिस वाले को साथ लेकर तुम ही आए थे ना? वो जो पूछ रहा हूँ वो बता। घबरा मत तू, तुझे अभी नहीं मारूंगा, पहले उस सीआई की पूरी फैमिली को मार दूंगा, उसके बाद उसे मारूंगा। जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? कहाँ जाना है? टायर पंक्चर हो गया, थोड़ी मदद करेंगे क्या? ठीक है। पाना है क्या? हाँ लेकर आओ। खेल खत्म। दर्द हो रहा है, अगर तुझे इतनी ही मार से इतना दर्द हो रहा है तो तू जिन्हें बेरहमी से मारता था उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। उसने मुझे मारा इसका दुख नहीं है, लेकिन छोटू को मारा इस बात का बहुत दुख है। अगर मैं चाहता तो उस एसआई को उसी चेक पोस्ट के पास ही मार देता, लेकिन उससे मेरा बदला पूरा नहीं होता। मैं उसकी पूरी फैमिली को ही मार दूंगा। जो पुलिस वाले ने किया उसके लिए उसकी फैमिली को क्यों मारना। सलामत है, मुंह बंद कर और राइट ले। वो एसआई की ड्रेस में था सर। We couldn't even think that he's a killer. We are all completely got panicked. वो हीरो रसेल है ना? हाँ सर। इतना घबराए हो क्यों है? वो मर्डर देखने के बाद ऐसी हालत हो गई सर। जाकर पानी लेकर आओ। हाँ। ठीक तो हो? फाइन फाइन। एक्सरसाइज वाली बॉडी है, कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। है नैपकिन दे नैपकिन। कुछ देर पहले एसआई को इसी ने मारा था। ची, ये क्या सर, फिर से गीली कर दिया। उसकी फोटो देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। आप फोन अंदर रखिए ना, वरना ये फिर से कोमा में चले जाएंगे। ए भाई, हाँ। मेरी एक छोटी सी मदद करो। हाँ, बोलिए ना। पैंट गीली होने की बात मेरी बीवी को नहीं बताना। हाँ। अगर उसे ये बात पता चली तो मुझे बहुत मारेगी। सर क्या है? ये लीजिए मैडम। हेलो डार्लिंग, अभी तक सोई नहीं? तुम वहाँ पैंट गीली करके कोमा में चले गए तो मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ? वैसे उस किलर को देख लूंगा, मार दूंगा, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। हुआ क्या, पैंट गीली हो गई। इतनी जल्दी तुम्हें ये बात पता चल गई? आपके असिस्टेंट ने वीडियो निकालकर व्हाट्सएप किया मुझे। हाँ? सर अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि ट्रक पद्मपुरम की तरफ जा रही है। पद्मपुरम? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पिक अप। हेलो संध्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबको लेकर वहां से निकल जाओ। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। क्या हुआ बेटी? सोचा था मर गया। पीछा कर। हाँ। मारते चला। ओके ओके। बेचारी ठोकेगा या नहीं? सर बच्चा है सर, फैमिली है सर। ठोक दे। अगर तू नहीं ठोका तो मैं तुझे ठोक दूंगा। ठोक। अपनी औकात दिखा दे। हटो हटो हटो, हटिए ना। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। इतने सारे लोग हो, ठीक से रेडी करना नहीं आता क्या? पाउडर दो, कॉम दो, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? मेरी प्यारी गुड़िया। क्यों रे काजू, ये क्या है? अरे मुहूर्त का वक्त हो गया है, चल जल्दी। डर लग रहा है। अरे 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 अरे, अपने दादा का नाम बदनाम कर रहा है। वो सुहागरात के कमरे में शेर जैसे आए थे, गुर्रा रहे थे, हाय मैं मर जाऊं, और तू जाएगा म्याओ करके। डर क्यों रहा है? पहली बार है ना। अरे तेरे दादा का भी पहली बार ही था ना, लेकिन वो गुर्राए थे। जा जा जाकर गुर्रा। नहीं कहा ना। अरे कैसा लग रहा है? टेंशन है। तुम्हारी टेंशन मैं दूर कर देती हूँ। अब कैसा लग रहा है? एकदम अलग है। हे, अभी तुम हकलाए नहीं? तुम्हारे चुम्मे की वजह से हकलाना और डरना दोनों भाग गए। अब बचा तो बस मेरे दादा की तरह गुर्राना। आजा। देखिए जी, आपका पोता भी गुर्राया।